मीन राशि वालों का आज का दिन यानी कि 18 दिसंबर 2020 का दिन कैसा बीतेगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूँ 18 दिसंबर 2020 के पंचांग के बारे में। आज तिथि है चतुर्थी, नक्षत्र है श्रवण, पक्ष है शुक्ल पक्ष, दिन है शुक्रवार। आज के दिन सूर्य उदय का समय है 7:08 में, सूर्य अस्त का समय है 5:27 में, ऋतु है हेमंत। आज का दिन काल है 10:19:21 का, महीना है मार्ग शीर्ष। आने वाले समय के दौरान शुभ समय शुरू होता है 11:40 AM से 12:50 PM तक। अशुभ काल शुरू होता है 9:12 AM से 9:53 AM तक। राहु काल शुरू होता है 11:00 AM से 12:17 PM तक। दिशा शूल है पश्चिम दिशा की ओर। तो ये था आज का पंचांग। इस वीडियो के अंत में आपके आने वाले समय का अनोखा टोटका, भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक है, तो आप उसे भी देखें। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को बड़े ही ध्यान से आप सुनने का प्रयास करें। मित्रों, सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूँ आपके कामकाज, आपके कार्य क्षेत्र के बारे में। दोस्तों, आप में से जो भी दर्शक, जो भी जातक व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, तो आने वाले समय के दौरान आपके कारोबार में, आपके व्यापार में आपका समय, आपका भाग्य, आपका साथ बहुत ज़्यादा देगा। मित्रों, आने वाले समय के दौरान आप में से जो भी दर्शक, जो भी जातक नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, तो नए काम को शुरू करने के दृष्टिकोण से आपका समय बहुत ज़्यादा बेहतर और शानदार है। मित्रों, आने वाले समय के दौरान अगर आप नए काम की शुरुआत करते हैं, तो आने वाले समय के दौरान आपके कामकाज में, आपके कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। मित्रों, आने वाले समय के दौरान अगर आपके प्रेम संबंध की बात करें, तो प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आपका समय सामान्य से बहुत ज़्यादा नीचे है। दोस्तों, आने वाले समय के दौरान अगर आप अपने प्रेमी या अपनी प्रेमिका से अपने दिल की बातें, अपने मन की बातें कहना चाहते हो, तो अपने दिल की बातों को कहने से आपको बचना होगा, क्योंकि आने वाले समय के दौरान आपका प्रेम संबंध बहुत ज़्यादा खराब रहेगा। आने वाले समय के दौरान आपके पार्टनर, आपके प्रेमी या आपके प्रेमिका का साथ, उनका सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। मित्रों, आने वाले समय के दौरान अगर आपके स्वास्थ्य की बात करें, तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपका समय सामान्य से बहुत ज़्यादा नीचे है। दोस्तों, आप में से जो भी दर्शक, जो भी जातक नशा पान करते हों, धूम्रपान करते हों या शराब का सेवन करते हों, तो आने वाले समय के दौरान इन चीज़ों को आपको
छोड़ना होगा, इन चीजों को आपको त्यागना होगा, क्योंकि आने वाले समय के दौरान अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, नशापान को अगर आप नहीं त्यागते हैं, तो आपके स्वास्थ्य के मामलों में परेशानी का सामना आपको बहुत ज्यादा करना होगा। मित्रों, आने वाले समय के दौरान अगर आपके धन संपत्ति की बात करें, तो पैसों के दृष्टिकोण से आपका समय बहुत ज़्यादा बेहतर और शानदार है। मित्रों, आने वाले समय से पहले अगर आपका पैसा कहीं रुक गया था, कहीं फंस गया था, तो आने वाले समय के दौरान रुके हुए धन को आपको प्राप्त करना होगा, क्योंकि इस काम को करने में आपका समय, आपका भाग्य, आपका साथ अवश्य देगा। मित्रों, आने वाले समय के दौरान अगर आप किसी भी व्यक्ति के साथ धन संपत्ति का लेन देन करना चाहते हैं, पैसों का आदान प्रदान करना चाहते हैं, तो लेन देन के दृष्टिकोण से आपका समय बहुत ज़्यादा बेहतर और शानदार है। तो इसके बाद बात करते हैं कि आने वाले समय के दौरान आपके लिए अनोखा टोटका, भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक क्या है। मित्रों, आने वाले समय के दौरान आपके लिए भाग्यशाली रंग है सिल्वर और सफेद। आने वाले समय के दौरान आपके लिए भाग्यशाली अंक है 2 यानी कि 2। दोस्तों, आने वाले समय के दौरान अपने समय को बेहतर और शानदार बनाने के लिए आपको करना क्या है कि स्नान ध्यान करने के बाद भगवान सूर्य को तांबे के पात्र से आपको अर्घ देना होगा, आपको जल चढ़ाना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं, तो आपका आने वाला समय बहुत ज़्यादा बेहतर और शानदार होगा। तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को आप हर जगह शेयर कर दें। धन्यवाद।